जैसे कि यार आप लोगों ने देखा सुबह से बच्चे शाम हो गई है, अंधेरे का टाइम हो चुका था, 5 से 6 बज गए थे, पर सौरभ भाई मिलने नहीं आए। सौरभ जोशी व्लॉग्स, द एटीट्यूड किंग, पीयूष जोशी घमंडी। तो मैं बहुत टाइम से इस टॉपिक पे, एक क्रिएटर की लाइफ, मतलब जब आप एक ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप वर्क करते हैं, वहां पे आपको एक सेलिब्रिटी वाला दर्जा मिल जाता है और वो एक फैन फॉलोअर्स, मैं खैर किसी को फैन वैन बोलता नहीं, लेकिन एक वो फैन फॉलोअर्स वाला एक कनेक्शन बनता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमने तुझको बनाया है, आप उनको फैमिली बोलते हो, तो उस बीच में वो जो रिलेशनशिप है वो कब टॉक्सिक हो जाती है। तो मैं उस पर अपने एक ओपिनियन बहुत टाइम से देना चाहता था, बट अब सौरभ जोशी का केस है, जो अभी सौरभ जोशी ने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की, तो वीडियो को फीचर करते हुए मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा इस चीज के ऊपर। उससे पहले बता दे रहा हूँ, इफ यू लव सौरभ जोशी व्लॉग्स भाई कीप लविंग, इफ यू हेट हिम कीप हेटिंग। मैं यहाँ पे किसी का ओपिनियन बदलने नहीं आया। जैसे कि आप देख ही रहोगे काफी वीडियो वायरल हुए मेरे बारे में, जो मतलब क्रिएटर्स हैं वो वीडियोस बना के जाते हैं, मेरे सोसाइटी के बाहर आते हैं, मैं जाता हूँ मिलता हूँ उनसे, तो वो कुछ भी वीडियो बना देते हैं, कुछ भी नेगेटिव वीडियो, कि मैं अच्छे से नहीं मिला, मेरे अंदर एटीट्यूड है। तो अभी मैं तुम लोगों को कॉन्टेक्स्ट भी दे देता हूँ कि एक्चुअली सौरभ किन वीडियोस के बारे में बात कर रहा है। मेरे पास पूरी प्लेलिस्ट है, आई मेट एटीट्यूड किंग पीयूष, सौरभ जोशी व्लॉग्स ने मुझे इग्नोर किया, घमंड, पता नहीं इनके थंबनेल में भी क्या क्या लिखा है, पीयूष कुछ तो बोल दो आप, सौरभ दा ने मना किया है, सौरभ जोशी व्लॉग्स एंग्री विद हिज फैंस, सौरभ जोशी ने मुझे गाली दी, पीयूष में एटीट्यूड है एक्सपोज्ड, सौरभ जोशी किक्ड मी आउट ऑफ द हाउस एक्सपोज्ड, और इनके थंबनेल देखो, मैं तुझसे नहीं मिलूंगा, तू कौन है, मैं नहीं जानता तुझे, पागल है तू, तूने खाना खाया हो या ना खाया हो मुझे क्या, सर मैंने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया है, 2 दिन से चला हुआ हूँ, प्लीज मिल लो आप मुझे, बेंचो तेरी हिम्मत कैसे हुई है, बोले सौरभ घमंडी है मुझे भी लगता है। अच्छा साहिल अग्री कर रहा है भाई, थंबनेल में अग्री कर रहा है, निकालो यहाँ से। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, जो लोग पॉजिटिव वीडियो बनाते हैं ना, जो अच्छे से मिलके जाते हैं, जो लोग परमिशन लेके शूट करते हैं, उनकी वीडियो कभी भी वायरल नहीं होती, उनको कोई नहीं देखता, लेकिन कोई ये लिख देगा ना टाइटल में, सौरभ जोशी ने मेरे साथ में ऐसा किया, सौरभ जोशी ने ये बोल दिया, सौरभ जोशी ने एटीट्यूड दिखाया, उनकी वीडियो वायरल जाती ही जाती है। मेरे को पता है सोसाइटी से बाहर जाने में डर लगता है कि कोई कैमरा लेके खड़ा होगा। तो ये सिर्फ सौरभ की कहानी नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं, फ्लाइंग बीस्ट के पिछले दिनों में बहुत वीडियोज आई कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे घर के बाहर मत आया करो, मत आया करो, उन्होंने कई बार वो प्रॉब्लम मेरे से भी शेयर की, अब फाइनली उन्हें अपने दिल्ली वाले घर पे गार्ड को रखना पड़ा, और जब नहीं मिलते तो लोग नुकसान करते हैं, जैसे कि सौरभ के अगेंस्ट तो वीडियो बना रहे हैं कि थंबनेल लगा देते हैं पीयूष एटीट्यूड किंग ये वो, तो व्यूज आ जाते हैं, फ्लाइंग बीस्ट सर के गमले वमले भी तोड़ के चले गए। ये एक बंदा था जिसने वीडियो बनाई, सौरभ जोशी व्लॉग्स ने ये क्या कह दिया मुझे, इसको आए हुए हैं 7.5 लाख व्यूज आए हुए हैं इस वीडियो पे, सौरभ भाई है, सौरभ भाई ये ऑलरेडी सौरभ की सोसाइटी में अंदर घुसा खड़ा है, वीडियो इसकी ओन है, ये सब व्लॉगर ही होते हैं, क्लाउड चेजर हैं सबके सब, इनके चैनल के तुम नाम देख लेना, ये व्लॉग फलाना व्लॉग ढिमकाना व्लॉग, और इनको सिर्फ क्लिकबेट थंबनेल से और व्यूज बटोरने से मतलब होता है, और तुम इसकी हरकतें भी देख लेना आगे। फाइनली यार बिग फैन, बहुत दूर से आया हूँ मैं, चंपावत डिस्ट्रिक्ट से। भाई बिग फैन यार, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं फली डिस्ट्रिक्ट से आपसे मिलने आया हूँ यार, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका यार, नहीं वीडियो तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ यार, फैन हूँ ना। फाइनली बहुत देर से वेट कर रहा था आपका, मैं बहुत अच्छा लग रहा है मिलकर, बहुत ज्यादा एक फोटो उसके मुंह पे फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, और जब सौरभ मेरे घर पे आया था, और मैंने भाई अपनी आंखों के सामने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे हमारे घर तक पे आ गए, हम नहीं निकले, हमारे कुक से नंबर ले लिया, गार्ड से मेरा नंबर लेके चले गए, और लगातार सुबह शाम कॉल करते हैं, सुबह शाम मैसेज करते हैं, कितने लोगों को तुम ब्लॉक कर दोगे, कितने नंबर तुम चेंज कर लोगे, आप कुछ बोलना चाहेंगे। थैंक यू भाई, मैं उससे फोटो खिंचाई, सौरभ भाई ने हेलमेट तक का नहीं उतारा, सिर्फ शीशा उठाया, तर मुझे इससे भी बहुत बुरा लगा। चलो भाई की ये वाली कंप्लेन नोट कर लेते हैं, सौरभ ने हेलमेट नहीं उतारा, भाई उससे मिलने आया था, ठीक है ओके। और वो कॉलोनी जैसे कि आप लोगों को पता है यार, पूरे यार मतलब जैसे लोकल बॉयज हैं, जैसे कि हम लोग भी लोकल हैं, 200 किलोमीटर हल्द्वानी में जाते रहता हूं, 200 किलोमीटर से लोकल है ओके भाई, इसको क्योंकि सौरभ ने बोल दिया था कि उसकी कॉलोनी रिवील कर दी, पूरा एड्रेस बता दिया कैसे आना है कैसे नहीं आना। सौरभ भाई यार इतने बड़े यूट्यूबर हैं, ऐसे कुछ भी कह दे रहे हैं, ये तो कंसेंट का मतलब सीख नहीं पाए, लेकिन तुम लोग सीख सकते हो मेरी तरह कुकू एफएम पर ऑडियो बुक्स के थ्रू। जैसे मुझे इस टॉपिक से रिगार्डिंग भी वहां पे एक बुक याद आ रही है, पावर ऑफ हैबिट, और सिर्फ वही नहीं, कुकू एफएम इज इंडियाज लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म विद ओवर 1000 प्लस आवर्स ऑफ कंटेंट एंड विद 4.5 प्लस रेटिंग, और यहां पे तुम्हें अपने पसंद के हर जोनर और हर टाइप के कंटेंट पे बेस्ड ऑडियो बुक मिलती है, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में। अब 2022 में यार मेरे लिए तो बुक्स पढ़ना सच में बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन कुकू एफएम ऐप के थ्रू मैं भी अपने डेली लाइफ वर्क करता हुआ ऑडियो बुक्स इजीली सुन पाता हूं। सो यू गाइस कैन आल्सो चेक आउट कुकू एफएम ऐप, द लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन, और अगर आप मेरा कूपन कोड LC50 यूज करते हो तो पहले 250 यूजर्स को मिलेगा एक्सक्लूसिव 50% ऑफ। तो ऐसी हरकतें करने से अच्छा है कुछ नॉलेज कुछ लर्निंग प्राप्त करो, वो भी 399 रुपए की जगह सिर्फ 199 रुपए में। अब नेक्स्ट वीडियो पे दूसरी पे आते हैं, फिर ये है DFN व्लॉग, सौरभ किक्ड मी आउट ऑफ द हाउस। बहुत मुश्किलों के बाद हम सौरभ जोशी भाई से मिलने के लिए आ चुके हैं, और अभी
देख सकते हैं उनके घर के पास में ही हैं हम। ये न्यूज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दिखा दिया भैया, देखो कहीं और नहीं हूँ मैं, उसके घर के बाहर ही हूँ, ये देखो उसकी सोसाइटी, मैं वहीं हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। तो अभी उनसे मिलवाएंगे एंड दोस्तों वो क्या रिएक्शन रहता है उनका अभी आप सबको दिखाएंगे एंड उनके घर पे जा रहे हैं, देखते हैं क्या रहता है, मिलते हैं या नहीं सौरभ भाई। तो पहले से ही प्लान करके आया था, वीडियो मॉर्निंग से स्टार्ट कर चुका है कि सौरभ मिलता है कि नहीं है, मिला तो बहुत अच्छे, बहुत तारीफ करूंगा, और नहीं मिला तो एक्सपोज वीडियो तो तैयार है ही। सो अभी जो है हम गेट पर आ चुके हैं एंड गेट पर आने के बाद हम सर से पूछते हैं क्या बात है। अरे सर बात सुने ना, आप बहुत दूर से आए, हम दो दिन से हमने खाना भी नहीं खाया है। ये सारी बातें वीडियो में ऐसी बता रहा है सिंपति वाली, क्योंकि इसको पता था कि सौरभ नहीं मिलेगा। और यार किसी के घर के बाहर जाना, अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, बहुत लोग हम लोगों से मिलते हैं, मेरे से मिलते हैं, और कोई यूट्यूबर है या कोई भी, यार हम तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े फिल्म स्टार है, लोग बाहर मिलते हैं, हमें भी अच्छा लगता है यार, फेम किसको अच्छी नहीं लगती कि तुमको लोग पहचान रहे, तुमसे अच्छे से मिलने आ रहे। और मैं तो मानता हूँ मेरी ऑडियंस तो इतनी मैच्योर है, फोटो ले लेंगे, आधे लोग नहीं भी लेते तो उनको लगता है कि चल फैमिली के साथ है, ऐसे लोगों के साथ है जिनको खुद अपनी वीडियो में नहीं दिखाता, तो डिस्टर्ब नहीं करते, हाय हेलो करके हाथ मिला के चले जाते हैं। लेकिन जो व्लॉगिंग वाली ऑडियंस होती है ना, इनको लगता है कि बंदा अपना फुल अपनी लाइफ दिखा रहा है, वो पूरा ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपनी फैमिली दिखा रहा है, तो मतलब तुम्हें भी लाइसेंस मिल गया उसके मम्मी पापा को शूट करने का, उसके भाई को शूट करने का, उसके घर पे घुस जाने का। यार एक चीज कंसेंट भी तो होती है, तुम अपने आप को फैन बोलते हो, फॉलोअर बोलते हो, और वो नहीं मिलता तो गाली बकना शुरू, एक्सपोज वीडियो बनानी शुरू। और मैं सौरभ की बात नहीं कर रहा, और क्रिएटर्स के लिए भी। सो यार हमने उनसे बहुत कया गार्ड साहब से कि हमें जो है सौरभ भाई से मिलवा दीजिए, लेकिन वो जो है नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि हमारे वश की बात नहीं है, आप हमारे सीनियर से बात कर लीजिए, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। इसने रिकॉर्डिंग भी कर ली, तो भाई तो पूरा न्यूज चैनल स्टिंग ऑपरेशन प्लान करके आया था, सौरभ नहीं मिलेगा तो उसके बाद उसको एक्सपोज करना है। सर मैं ये बोल रहा हूँ, मैं दो दिन से चला हुआ हूँ, महाराष्ट्र से आया हूँ। हाँ जी सर, मुझे सौरभ भाई से मिलना है और मैंने अभी तक ना सोया भी नहीं हूँ, दो दिन हो गए मुझे। नहीं नहीं सौरभ भाई से जब तक उनका भाई अंदर से परमिशन नहीं आएगी नहीं मिल सकते हो, ठीक है? परमिशन लेनी पड़ेगी ना। अरे भाई क्या बंदा है, भाई क्या बंदा है, तू बेवकूफ है क्या? आगे चलते हैं भाई वीडियो में, मैं नहीं सुन सकता भाई इसकी बात। अरे भैया इसने दो मिनट कॉल रिकॉर्डिंग पोस्ट कर रखी है। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा ना वीडियो में ना कुछ, ना वीडियो मुझे नहीं बनाना, ठीक है? ड्यूटी आप ऐसे निभा रहे हो कि कोई बंदा इतनी दूर से आ रहा हो। भाई प्राइवेट सोसाइटी का रूल है, जब तक अंदर से हाउस ओनर परमिशन नहीं देगा तब तक गार्ड कैसे अलाउ कर देगा? और अगर वो अपने घर पे सौरभ वैसे अलाउ करेगा, मैं कह रहा हूँ जितने लोग सौरभ के ऊपर भी वीडियो बनाते हैं, भाई 12 मिलियन सब्सक्राइबर है उसके, अगर वो हर किसी से मिलना शुरू कर देगा ना, हर किसी को अपने घर में लाना शुरू कर देगा, उसकी क्या प्राइवेसी रह जाएगी? एक बंदा कॉन्टेंट क्रिएट करके तुम्हें एंटरटेन कर रहा है, एटलीस्ट उसकी प्राइवेसी की तो रेस्पेक्ट करो, उसकी फैमिली की तो रेस्पेक्ट करो। ठीक है वो बाहर घूमता है, कहीं मिल गया फोटो ले लिया, ठीक है दैट्स इट भाई। अगर वीडियो ना हो ना मैं मिल लेता हूँ अच्छे से, नहीं मेरे को लिटरली डर लगता है कोई फिर कुछ डाल देगा, फिर बोलते हैं कि हाँ मेरे चैनल प्रमोट कर दो। उनको एक्चुअली मुझसे मिलना नहीं है, उनको सिर्फ व्यूज चाहिए, मतलब मुझसे मिलने से पहले उनका कैमरा ऑन रहता है, इवन मेरे मना करने के बाद भी उनका कैमरा ऑन रहता है, उनको फर्क नहीं पड़ता कोविड है, उनको फर्क नहीं पड़ता मैंने मना किया है, मेरा कंसेंट होना चाहिए वीडियो में, मैं उनकी वीडियो में आने के लिए कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ। जब हम भी ब्लॉग रिकॉर्ड करते हैं ना, तो मैं कभी किसी क्रिएटर से मिलता हूँ, जैसे कि मैं भुवन भैया से जब मिला था ना, तब मैं ब्लॉग बनाने शुरू कर दिए थे, बट मैंने ब्लॉग नहीं बनाया उनके घर का, क्योंकि मुझे पता था वो अपने घर बुला रहे हैं, पहले तो यही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, उनके मम्मी पापा है वहाँ पे, उनका पर्सनल स्पेस है, तो कंसेंट बहुत मैटर करता है। और अभी जैसे सौरभ भी बोल रहा है ना, बहुत लोग बहुत समझदार है, बहुत समझते हैं, मेरे को बाहर मिलते हैं सोसाइटी के बाहर, लोग हंसते हैं कि हाँ यार हमें पता है तू नहीं बताता अपनी सोसाइटी, लेकिन हमें पता था बहुत टाइम से तू यहाँ पे रह रहा है। लेकिन यार कुछ लोग सच में ऐसे होते हैं कि उनको समझ नहीं आता कंसेंट और प्राइवेसी का क्या मतलब है। मैं किस मूड में हूँ, हमेशा मैं सही मूड में तो नहीं होऊंगा ना, आप मेरे 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट का व्लॉग देखते हो, बाकी के 23 घंटे भी तो हैं, मेरी पर्सनल लाइफ भी तो है, मेरी मम्मी पापा की पर्सनल लाइफ। पीयूष ना एक्चुअल में डरा हुआ है, पास्ट में भी कुछ दिनों में उसके साथ में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, लाइक एक ने उसकी ऐसे गर्दन पकड़ के ऐसे कर दिया, एक ने उसको ऐसे कंधे पे उठा लिया जबरदस्ती। लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे आप वीडियो में हो ना वैसे ही आप रियल लाइफ में हो। अब जैसे पीयूष है वो बहुत नोटी है, वो सौरभ के साथ, साहिल के साथ, अपनी फैमिली के साथ, लेकिन जब वो हमारे आया ना उसको 2-3 दिन लगे हमारे साथ कंफर्टेबल होने में। लेकिन ये थोड़ी कि मैं वीडियो बना के बोल दूं अरे पीयूष तो बड़ा एटीट्यूड किंग है, ये है वो है, अरे वो बहुत छोटा बच्चा है भाई, वो बहुत अलग तरह की लाइफ जी रहा है, वो बचपन से ही इस एज में जाके उसको इतनी अटेंशन मिल रही है, यूट्यूब, पैसा, स्पॉन्सरशिप, उसका बचपन हमारे जैसा नहीं है। और इन वीडियोस में भी मैंने एक वीडियो देखी जिसने पीयूष के ऊपर एक्सपोज लिख रखा है कि पीयूष घमंडी है। जल्दी से अपलोडिंग पे लगाते हैं यार। अरे सौरभ जोशी, सौरभ जोशी ये भी व्लॉगर ही है। और सौरभ भैया क्या हाल है, कैसे हो आप, कहाँ पे जा रहे हो अभी? पीयूष को देखो, पीयूष को पता चल जाता है भाई कैमरा ऑन है, अब तेरे ऊपर वीडियो बनने वाली है कोई ना कोई। फोटो खींच लो फोटो। ये भी यूट्यूबर है, इसका गोप्रो ऑन है। सौरभ मिल गया फिर से व्यूज, अच्छे से मिला तो चांदी, गंदे से मिला तो एक्सपोज वीडियो में सोना। सौरभ भाई मिले हैं, देखो सौरभ भाई की जा रहे थे अभी, पीयूष भी अंदर, इधर आओ।
भाई क्या है ये, वो अपने भाई के साथ कंफर्टेबल है, वो अपने भाई के दोस्तों के साथ कंफर्टेबल है, थोड़ी कोई उसका मुंह पकड़ के ऐसे चूंटी काट लेगा। नहीं गाल नहीं पकड़ने, अभी भी खड़े ही है यहाँ पे देखो ये रही कार इनकी। इसके खुद की वीडियो में प्रूफ है कि उसको हर एक मिनट में अपने शहर के अंदर हल्द्वानी में, अपने लोकल शहर में तो यार लोग बहुत ज्यादा पहचानते हैं, ये भी रहता रहे हमारे शहर का लोंडा ऐसे वैसे, उसको हर एक मिनट में इतने लोग मिल रहे हैं। तो अगर हर किसी को इतना टाइम देना शुरू कर देगा, वो अपना कॉन्टेंट कब क्रिएट करेगा, वो अपनी फैमिली को कब टाइम देगा, वो अपनी पर्सनल लाइफ को कब कुछ टाइम देगा। सौरभ भाई को मतलब बाहर आना चाहिए ना यार, मतलब हम लोग आ रहे कितने लोग आ रहे, इतने लोग फोटो खिंचा रहे थे उनसे, ये थोड़ा कि मतलब यार तुम गाड़ी का शीशा डाउन कर दो और फिर एक मुंडी बाहर निकाल के फोटो खिंचा रहे हो। पहले वाले बंदे की कंप्लेन थी भाई ने हेलमेट नहीं उतारा, दूसरे वाले की थी गाड़ी से बाहर नहीं निकला। ठीक है यार पैदल घूमना शुरू करना चाहिए यार, पहले वीडियो क्रिएट करो सुबह सुबह, अपलोड कर दो 9 बजे, फिर पैदल निकल जाओ और रात तक फिर सबके साथ फोटो वीडियो करा के तभी कराओ, यही तो कॉन्टेंट होगा फिर अगले दिन से कि मैंने कितने लोगों के साथ फोटो खिंचाई, कितने लोगों को डिसअपॉइंट नहीं किया। ये मतलब तुम्हें दिखाते कि यार तुम कैसे यूट्यूबर हो, हमारी वजह से सौरभ भाई देखो इतना आगे गए हैं। ठीक है ये भी मानना कि हमारी वजह से आगे हैं, मैं कहता हूँ बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, एक एक सब्सक्राइबर से इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस बनता है। उन लोगों को भी तो समझना चाहिए कि उस बंदे को टाइम चाहिए, एक पीस ऑफ माइंड चाहिए वो सब चीजें क्रिएट करने को। हर बंदा आके मिलेगा, हर बंदा चाहेगा कि उसको स्पेशल टाइम दिया जाए, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, और कर लेते हैं यार, हर कोई जब मूड होता है लोग कर भी लेते हैं। अब मैं तुम्हें अपना एक इंसिडेंट बता देता हूँ, मैं ऋषिकेश में था, पार्किंग में खड़ा हुआ था मैं, एक लोंडा आया और मेरे साथ कुछ ऐसे लोग थे कि जिनको मैं अपने व्लॉग चैनल पे भी नहीं दिखाता, मतलब वो वीडियो बना रहा था, मैंने कहा भाई वीडियो मत बनाओ, मैं ऐसे ही मिल भी लिया, मैंने अच्छे से बात करी, मैं कैसे हो आप कहाँ से आए, वो एंजॉय करो ऋषिकेश में क्या करना है, ठीक है वो चला गया। उसके बाद वो 6 और लड़कों को ले गया, जबकि मैंने उसको बोल के भेजा कि यार कुछ प्रॉब्लम है, पर्सनल कुछ बात है, मैं इसीलिए यहाँ पे हूँ और मेरे को निकलना है, मैं फिर वापस गाड़ी में आके बैठ गया। फिर वो 6-7 और लोगों को लेके आया, वो सब भी वीडियो बना रहे थे, उन्होंने कहा भाई फोटो ले लो, मैंने कहा यार एक बार ग्रुप में फोटो ले लो, मेरे को जाना है, क्योंकि मैं बहुत लो फील कर रहा था उस दिन, कुछ ऐसी बात थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। उसके बाद भी भाई वो कहने लगे भाई अकेले फोटो लेनी है, ये करना है, भाई मेरे चैनल के लिए कुछ बोल दो, कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते। और सौरभ के साथ तो मैं कहता हूँ मेरे से 20 गुना ज्यादा है, यहाँ पे एक बंदे ने उसके सामने आके गाड़ी लगा दी 90 की स्पीड पे, उसको रोक दिया, मेरे बच्चे तुम्हें देखते हैं ये करते वो करते, अरे भाई उसे जान से थोड़ी मार दोगे तुम, उससे मिलने के चक्कर में, तुम 12 मिलियन के लिए वो एक है, तुम 2 मिलियन के लिए मैं एक हूँ, लेकिन मेरे लिए तो तुम 2 मिलियन हो, हर एक बंदे को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे पाऊंगा। इवन मैं भी कहीं जाता हूँ, किसी क्रिएटर के घर पे जाता हूँ तो मैं परमिशन लेता हूँ, मैं लक्ष्य घर पे गया, मैं फ्रैंक विसर के पास जाता हूँ, मैं सब जगह परमिशन लेता हूँ। जब सौरभ मेरे से मिलने आया था तो उसके बाद जब इसने व्लॉग डाला था, मेरे को 10 बार इसने कॉल करके बोला कि भाई मैं ये डाल दूँ वो डाल दूँ, क्योंकि इसको पता है हम अपने व्लॉग में बस दोस्तों का डालते हैं, जहाँ पे हम आपस में कुछ मस्ती करते रहते हैं, बहुत कुछ पर्सनल नहीं दिखाते। तो इसने बोला भाई मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, मेरे घर से भी कोई आया हुआ था, मैंने कहा यार जो तेरे को डालने डाल दे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, और सब कुछ होता है, अच्छी बात तो होती है, पिचिंग होती है, सब कुछ होता है, थोड़ी की रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। ये है अली लोग, ठीक है सौरभ जोशी ने मुझे गाली दी, ठीक है भाई देखते और कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है तो भाई देखो सौरभ ये रहा, ठीक है लंबे लंबे बार ये रहा सौरभ, अब देखते हैं भाई बाहर आता है या नहीं। तो भाई अभी पूरा 1 घंटा हो गया वेट करते करते, ठीक है, और अभी सौरभ आया था, मतलब वहाँ तक आया था लेकिन देखा था, देख के भाई वापस हो गया वो, ठीक है। और ये भी भाई है, कहाँ से आए हो भाई? पीलीभीत से आए, भाई भी पीलीभीत से वेट कर रहे हैं। काम धंधा नहीं है क्या पीलीभीत में? बाप तुम्हारे माँ के कंगन गिरवी रख के खेत में दवाइयाँ छिड़क रहा है, फसल उगा रहा है, तुम सौरभ जोशी की कॉलोनी के बाहर बैठे हो, मैं तुम्हें सबसे बड़ा बेवकूफ मानता हूँ। अरे कुछ ऑडियंस को कहना चाहोगे आप? दो वर्ड तुम्हें, सपोर्ट करो भाई को, वीडियोस बनाते अच्छे अच्छे। साहिल को पता भी नहीं अच्छी वीडियो बनाए कैसी बनाए, पर बेचारा प्रेशर में कह रहा कि भाई सौरभ तो एक्सपोज हो ही रहा, मुझे भी कर देगा अच्छी बोल दी। उसने जैसे कहीं कहा था आपसे, अंकल जी अंदर गए थे सौरभ जोशी से मिलने के लिए, मतलब उनसे बात करने के लिए, कि कुछ लोग बाहर खड़े हैं आपका वेट कर, वो पीछे वो भी वीडियो बना रहा, पीलीभीत वाला भी कोई ऐसा नहीं है, वो भी कैमरा लेके आया, वो भी बताने लग रहा आया नहीं सौरभ 3 घंटे हो गए भाई, हम तो फैन थे मिलने आए थे, अब सौरभ जोशी के सपोर्ट की जगह एक्सपोज वीडियो बनेगी जरूर, पर वीडियो हम लोगों ने ही बनाया और ये हम ही कोई घमंड दिखा रहा है, किस बात का ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है कमेंट जरूर कर दियो किस बात का घमंड है, और जब इतना घमंड है उसको गाली बक रहा है अब तू। तो यार देख पहले तो फैन मत बोल लो खुद को, जब वीडियो की शुरुआत में तुम फैन बोल रहे हो, तुम मिलने जा रहे हो, उसका एड्रेस पता लगा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, और जब वो उसके बाद नहीं मिल रहा तो इग्नोर करो उसको, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें उससे, या तो पहले फैन मत बनो और अगर फैन हो तो फिर रिस्पेक्ट करो। तो भाई ये दो दिन से मुझे लग रहा है सौरभ जोशी की सोसाइटी के बाहर एक होटल खोलना पड़ेगा, सौरभ जोशी मिले ना मिले अपना तो फायदा, दो दो तीन तीन दिन लोग लिटेंगे आगे वहाँ पे, और शाहरुख खान के बंगले के बाहर जाके हाथ क्यों मिलाओ है, सब उसके घर जाया करो, खाना खा के आया करो, या उसे गेट के बाहर बुलाया करो, बोल ठीक है हमने तो बनाया, हमें तो देख रहे तेरे पिक्चर, हमें टिकट खरीद रहे, ऐसे मन्नत के ऊपर से क्यों आधी लावा है, नीचे आया कर। ब्लॉगर है
गाइस जाजा व्लॉग्स हमसे मिलने आए हैं और इनसे मिलके काफी अच्छा लगा, तो ये भी व्लॉग चैनल एंड सपोर्ट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सो गाइस सौरभ जोशी भैया वहाँ पे हमको इग्नोर कर दिए और इनसे मिलके काफी अच्छा लगा और वो घमंड दिखाने लगे, हमसे अच्छे से बात भी नहीं किए और बहुत ही ज्यादा दुख है हमें गाइस इस चीज के लिए कि उन्होंने हमको पहचाना नहीं। पहचाना तो यार मैंने भी नहीं, और जब दुख है तो ये मम्मी पापा को रसोई में लेके क्यों खड़ा दी, दुख यार बिना मम्मी पापा के बता देता। और ये हमारा छोटा सा पीयूष, कोई चैनल के लिए राजा ब्लॉग के लिए बोलना है कुछ? हाँ बोलना है, राजा ब्लॉग डिलीट कर दो अपना चैनल। बोलिए बोलिए, आप भी बोल सकते हैं ना, कोई बात नहीं, बोल सकते हैं, बोलिए ना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। भाई वो बच्चा इतना अनकंफर्टेबल हो रहा है, इतना अनकंफर्टेबल हो रहा है, उसके बाद तुम कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हो कि यार वो अच्छा रिएक्शन दे देगा, वो अच्छे से तुमसे बात कर लेगा। तुम तो चलो उससे निकलवा लाए थोड़ा सा कंटेंट, थोड़ा सा वीडियो, उसके बाद वो कभी तुमसे बात करेगा ही नहीं यार। और वो तुम्हें अपनी वीडियो में गाली बकेगा, वो यही कहेगा कुछ लोग आ गए थे बेवकूफ गधे कहां से आ गए थे। ये 10% ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से बाकी 90% अच्छे लोगों को सुनने को मिलता है कि यार लोग तो ऐसे हैं, ऑडियंस तो ऐसी है। खैर आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं ढेर सारे ज्ञान के साथ।